हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने हेयर ऑयलिंग की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सैचरडे नाइट हेयर वॉश कर लेता हूँ क्योंकि मैंने संडे को हेयर ऑयलिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं डाबर आमला तेल का यूज़ कर रहा हूँ। डाबर आमला तेल हमारे हेयर्स को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। फ्रेंड्स, ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। हेयर ऑयलिंग करने से जो बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ऑयलिंग करने के साथ हमारे बाल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे मदर मेरे बालों की हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर चाहते हैं तो आपको भी हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। आप विंटर्स में डाबर आमला तेल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे मदर मेरे बालों में पर्सनली डाबर आमला तेल यूज़ करते हैं। तो डाबर आमला तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डाबर आमला तेल हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है। आप इनमें से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने बालों के लिए एक ही शैम्पू यूज़ करता हूँ। आपको शैम्पू बार बार चेंज नहीं करने चाहिए, एक ही शैम्पू का यूज़ करना चाहिए। आपको जो भी शैम्पू सूट करता है आपको वही यूज़ करना चाहिए, बार बार शैम्पू नहीं चेंज करना चाहिए। इससे हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मदर मेरे बालों में मसाज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करनी चाहिए। और हमें थोड़ा थोड़ा तेल लेना चाहिए मसाज करने के लिए। No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की हेयर ऑयलिंग हो चुकी है। तो अब मेरे मदर मेरे बालों में से टैंगल निकालेगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में ऑयलिंग हो चुकी है। अब मेरे मदर मेरी कॉम्बी करने जा रहे हैं। कॉम्बी करने से पहले हमें अपने बालों में से अच्छी तरह से टैंगल्स रिमूव कर लेनी चाहिए, तो इससे हमारी कॉम्बिंग बहुत ही अच्छी होती है। इससे हमारी ब्रेड बहुत अच्छी तरह से होती है और जूड़ा भी बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है।
अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।